थाना ताजगंज के पचकाई खेड़ा में उस समय सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने गांव में रहने वाले एक व्यक्ति का शव खेत में पड़ा देखा। शव की सूचना मिलते ही एसपी सिटी में फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाकर मामले की जांच शुरू की। योगी सरकार में ताजनगरी में वारदातों के ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है। दिन प्रतिदिन शहर भर अज्ञात शवों का मिलना अब लाजमी हो गया है, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि थाना ताजगंज के गाँव पंचगई खेड़ा में उस समय सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने खेत में 25 वर्षीय युवक का शव पड़ा देखा। शव को देख खेत पर ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। सूचना मिलते ही एसपी सिटी में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गए और मृतक युवक के शव को पंचनामे के लिए भिजवाया गया। एसपी सिटी ने बताया कि युवक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द ही पूरी घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। मृतक युवक के शरीर पर चोट के निशान साफ बता रहे थे कि युवक की हत्या कर शव को खेत में फेंका गया है। फिलहाल पुलिस मृत युवक की शिनाख्त में जुट गई है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। जो की ताजगंज क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पे कारण जल्दी डेड बॉडी की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मॉर्निंग मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारी और हमारी पुलिस की टीमें, थाने की टीम, फील्ड यूनिट सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। बेसिक एविडेंसेस है, यहाँ से मौके से जो मिलने वाले वो कलेक्ट किए गए, पूरी कार्रवाई इस पर की जा रही है। किसी प्रकार की पहचान होने का डेड बॉडी की अभी तक शिनाख्त हुई नहीं है। हम लोग इसमें प्रयासरत है, आसपास के जितने भी थाने हैं, जनपद है, उनसे भी बातचीत की जा रही है। सर, किस प्रकार के निशान पाए गए हैं बताया जा रहा है? देखिए, कुछ कट्स के निशान है बॉडी पे और जलाने की इसको बॉडी को बाद में कोशिश की।